हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स इजी कुकिंग। आज एक सिंपल से प्रॉन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बोरी खाने में थोड़ी सी ट्विस्ट लानी हो ना तो ये वाली रेसिपी ट्राई करके देखिए। ट्रस्ट मी, आप एक बार बनाएंगे तो इसके फैन बन जाएंगे। और हाँ, वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे ट्राई भी करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं किचन में। कढ़ाई गरम करके 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे और तेल गरम हो जाए तो डाल देंगे ग्रेट किया हुआ प्याज। हल्का रंग बदलने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी ना मैं अक्सर बनाती हूँ घर में, आप भी ट्राई करके देखिए, जरूर पसंद आएगी आपको। 2 हरी मिर्च को ऐसे रफली चॉप करके डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर अभी चेंज हो गया है और अभी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून करके डालेंगे जीरा और धनिया पाउडर। सारे मसालों को लो फ्लेम में भुनेंगे 1-2 मिनट के लिए। मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हो ना तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, इससे आप मसालों को अच्छे से मिक्स भी कर पाएंगे और ये जलेंगे भी नहीं। टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ और 1/2 टीस्पून नमक डालकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। टमाटर को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। आपको मेरी कौन सी वाली फिश करी सबसे अच्छी लगी है या आपने कौन सी ट्राई की है ये कमेंट करके बताना। और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टमाटर सॉफ्ट हो गया है और अभी ऐड कर देंगे प्रॉन्स। क्लीन करने के बाद ये करीबन 250 ग्राम है और आज प्रॉन्स को मैंने फ्राई नहीं किया है, डायरेक्टली इसे मसालों के साथ मैं पका रही हूँ तो 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। और अभी ऐड कर देंगे 1 कप दूध। अच्छा, इसके बदले ना आप कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं या फिर पानी भी डाल सकते हैं। नॉर्मली घर में जो अवेलेबल रहता है ना मैंने वही यूज किया है। और आप भी कोशिश कीजिएगा दूध डालने की, भले ही आप 1/2 कप दूध को 1/2 कप पानी के साथ मिक्स करके डालें, लेकिन पानी से बेटर टेस्ट तो इसी में ही आएगा। और बाय चांस अगर लिक्विड मिल्क ना होना तो आप पाउडर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लेम में 5 मिनट पकाने के बाद अभी मैं चेक कर रही हूँ, हमारा प्रॉन मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। बस लास्ट में 1/2 टीस्पून गरम मसाला और हरा धनिया डालकर बस 1 मिनट के लिए पका लीजिए। और इसे पकाते वक्त ना मैंने राइस को भी रख दिया था साइड में पकने के लिए। प्रिपरेशन के साथ ना मैक्स टू मैक्स 1/2 घंटा लगेगा आपको इसे बनाने में। बस अब गर्मा गर्म राइस के साथ इसे सर्व कीजिए और साथ में थोड़े से पापड़ ले लेना। ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा जब खाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।